वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सभी का इंग्लिश क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम 10th क्लास RBSE जो इंग्लिश बुक है उसमें जो है पोएम है रिस्क, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी नाइस पोएम, बहुत अच्छी पोएम है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द पोएट के बारे में बात करते हैं। पोएट्स नेम इज़ जेनेट रेड। जेनेट रेड इज़ काइंड ऑफ ए मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो अपनी पोएम के माध्यम से जो है सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स, ये उनकी कुछ बेस्ट पोएम्स में से एक है। सो लेट्स बिगिन। तो इस पोएम में वो जो है रिस्क, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। हमें अपने हर जीवन में, हर एक्टिविटी में जोखिम लेना पड़ता है। विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन नॉट गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, बिना उसके हम अपने जीवन में कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस पोएम में वही बता रहे हैं पोएट। तो देखते हैं पहले क्या बता रहे हैं। सबसे पहले वो एक्टिविटीज़ बता रहे हैं जिनमें रिस्क होती है। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में भी रिस्क है फूल कहलाने का। सो व्हेन समबडी लाफ्स, सो व्हाट इज ही टेकिंग द रिस्क, इज टेकिंग द रिस्क ऑफ लुकिंग लाइक अ फूल पर्सन। अगर कोई हंस रहा है तो वो भी एक रिस्क ले रहा है अपने आप को मूर्ख कहलवाने का, क्योंकि वो हंसेगा तो हो सकता है लोग उसको मूर्ख माने। ठीक है, नेक्स्ट है टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब है भावुक, इमोशनल। ठीक है, तो अगर कोई वीप कर रहा है, अगर कोई रो रहा है, तो दैट मीन्स टेकिंग द रिस्क ऑफ लुकिंग लाइक ए इमोशनल पर्सन। ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड ए इमोशनल पर्सन। अगर कोई रोता है तो हो सकता है कि लोग उसको ऐसे सोचे, भाई ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, बात बात पे रो देता है। ठीक है, तो उस समय भी वो रिस्क ले रहा है। आगे है टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर, यहाँ पर है कि हेल्प करना किसी को, दूसरों की हेल्प करना, मतलब वो सो जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो दैट मीन्स ये माना जाता है कि ये उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कुछ, मतलब उसका भी कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। तो आप मदद कर रहे हो तो उसमें भी आपके रिस्क है, स्वार्थी कहलवाए। नेक्स्ट है टू एक्सपोज फीलिंग्स। एक्सपोज का मतलब है प्रदर्शित करना, भावनाओं को प्रदर्शित करना। इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करने के रिस्क है अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स के आधार पर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बिल्कुल जान सकता है आप कैसे किस प्रकार के हो। दैट मीन्स आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, का मतलब आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव हियर मीन्स अनाड़ी, नादान। अगर आप किसी के सामने अपने आइडियाज, ड्रीम्स, इनको क्राउड, भीड़ के सामने अगर आप अपने विचारों को रख रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने आप को अनाड़ी कहलवाने का रिस्क ले रहे हो। बिकॉज यू कैन, इट इज पॉसिबल दैट यू मेक सम मिस्टेक, आप क्राउड के सामने गलती कर सकते हो, एंड पीपल में कंसिडर यू अ नेव पर्सन। सो यू आर प्लेसिंग आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड, यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ बींग कॉल्ड ए वेरी नेव पर्सन। सो ओके, आगे चलते हैं। आगे जेनेट्रेंड कहते हैं टू लव इज टू रिस्क नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क है बदले में प्रेम नहीं पाने का। इफ यू लव समवन, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन हुम यू आर लविंग मे नॉट लव यू। पॉसिबल है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप प्रेम कर रहे हो वो आपको भी प्रेम करे। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में रिस्क है मरने का। सो इफ यू आर लिविंग अ लाइफ, अगर आप जी रहे हो
सो मरने का रिस्क तो है, बट स्टिल यू आर लिविंग, लेकिन अभी भी टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अगर आप आशा कर रहे हो किसी चीज की, सो अगर आप किसी चीज की आशा कर रहे हो तो उसमें रिस्क हो सकता है, आपको निराशा मिले। सो टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। आगे कहते हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज की, किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो, सो देयर इज अ चांस ऑफ इट्स फेलियर, तो इसके असफल होने के भी जोखिम है। फेलियर में असफलता, इट डजंट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम कोशिश करना बंद करते हैं। इट डजंट मीन दैट वी स्टॉप होपिंग, इसका मतलब यह नहीं कि हम आशा करना बंद करते। इट डजंट मीन दैट वी स्टॉप लिविंग। सो हर बात में रिस्क है, लेकिन जेन ट्रेंड कहते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जोखिम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब यहाँ पे जोखिम, इन लाइफ जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही। यानी जीवन में सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर आप जोखिम नहीं ले रहे हो, आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक सम रिस्क इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे ये बताते हैं कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता तो उसके साथ क्या होता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। व्यक्ति जिसके जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग मतलब वो कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग उसके पास कुछ होता भी नहीं है, इज नथिंग उसका अस्तित्व कोई उसको कोई जानता ही नहीं है, इज नथिंग मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं होता, उसका नाम ही नहीं होता, बिकम्स नथिंग तो आगे जाके वो कुछ बनता भी नहीं है। सो द पर्सन हु डजंट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग, इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इज नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, इज नॉट नॉन एंड ही डज नॉट बिकम एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बनता है। हाँ, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है उसका जो है एक जो है फायदा भी बता रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का फायदा भी होता है, लेकिन कुछ समय तक। कैसे, देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग, ये उनकी बात कर रहे हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं। दे मे अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना, सफरिंग यानी पीड़ाएं, सोरो दुख, हो सकता है कि वो जो पीड़ाओं से बच जाएं, दुख से बच जाएं, बट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, बट दे कैन नॉट। अब आगे उसके परिणाम भी बता रहे हैं, जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है वो थोड़े समय तक के लिए, इट्स पॉसिबल दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो फॉर सम टाइम, बट लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकते, क्योंकि जो रिस्क लेता है वही जीवन में सीखता है। ठीक है, तो बिजनेस मैन है, वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो पहले से सोच लेगा कि नुकसान होगा बिजनेस में, तो वो सीखेगा कैसे कि किस चीज़ में नफा है किस में नुकसान है। ठीक है, फील कैन नॉट फील, फील का मतलब महसूस करना, अगर जो है वो रिस्क नहीं लेगा तो वो फील नहीं कर सकता है, भावनाएं महसूस नहीं कर सकता है कि व्हाट द पीपल आर फीलिंग अबाउट हिम एंड व्हाट ही शुड फील, लोग उसके बारे में कैसे महसूस कर रहे हैं, वो कैसे महसूस करना चाहिए। चेंज कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बदलाव वो जो है उसका सामना नहीं करेगा क्योंकि उसको डर रहेगा। कैन नॉट ग्रो, बढ़ नहीं सकता है, वृद्धि नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। लव इसको प्रेम नहीं कर सकता है क्योंकि उसको रहेगा कि मैं उसको प्रेम करूँ, बदले में वो मेरे से प्रेम करे कि नहीं करे। लिव जी नहीं सकता है बिकॉज ही हैज ऑलवेज द फियर ऑफ डेथ, उसको हमेशा मृत्यु का भय रहेगा, तो वह एक तरह से जी भी नहीं पाएगा। सो रिस्क से हम
जो हम बच नहीं सकते, हमें उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ऐसे लोग इसके बच जाते हैं, ये सीख तो नहीं सकते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, लेकिन वो क्या होते हैं पॉइंट की नज़र में, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। चेंड का मतलब है जंजीरों में बंधे रहते हैं, बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का निश्चितता, भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, तो चेन मतलब बंधा हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ, अपने निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए, दे आर स्लेव्स, स्लेव्स कहते हैं गुलाम, गुलाम वो पोएट की नज़रों में क्या है, दे आर जस्ट एज स्लेव्स, बिल्कुल गुलामों की तरह है, क्योंकि वो जंजीरों में बंधे हुए हैं, वो फ्री नहीं है, और जंजीरें किसकी, सर्टिट्यूड यानी निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए हैं। और जो गुलाम होता है वो क्या करता है, आगे कहते हैं दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड का मतलब यहाँ पे लॉस्ट, खोना, फ्रीडम यानी आज़ादी, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ऐसे लोग गुलाम हैं, अपनी निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे व्यक्ति कुछ समय तक तो पीड़ाओं से बच सकते हैं, लेकिन पोइट की नज़रों में वो गुलाम हैं, निश्चितता की जंजीरों में, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। और अंत में एक ही बात बोलते हैं वो, ओनली पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, मात्र वो व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वही सच्चे रूप से क्या है, स्वतंत्र है। ओनली पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री इन ट्रू सेंस, तो बिल्कुल सच्चे अर्थ में देखा जाए तो द पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज फ्री इन ट्रू सेंस। ठीक है, सो वी विल हैव टू टेक रिस्क इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में जो है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। हमें सभी को अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है जेनेट रैंड इस पोएम में हमको मोटिवेट करते हैं रिस्क के लिए। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से पोएम जो है उसका जो हम एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे हमको ध्यान रखना पड़ता है। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो। Thank you.